नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कश्मीर से 370 हटे 50 दिनों से ज्यादा समय हो गए, लेकिन हर जगह से लात और जूते खाने के बाद भी हमारे पड़ोसी का दिमाग सही ठिकाने पर नहीं आया। फिर भी कश्मीर में मुसलमानों का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान हर जगह से बेइज्जत हो रहा है। पहले तो पाकिस्तान अपने लाओ लश्कर के साथ दुनिया के सबसे बड़े आका के पास पहुंचा। आका अमेरिका ने कश्मीर पर डांट पिलाकर भेज दिया। फिर मुसलमान मुसलमान करके मुस्लिम देशों के पास गए। मुस्लिम देशों ने इमरान खान और पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि अपने मुसलमानों को ढंग का खाना खिलाओ, अच्छा पानी पिलाओ और बेरोजगारी दूर करो, भारत में आतंक फैलाना बंद करो। फिर आया मौका UNHRC का, जहां पर भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। अब दुनिया के शक्तिशाली संगठनों में से एक यूरोपियन यूनियन की बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर भारत ने सख्त एतराज जताया और संघ के सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सबूत पेश किए। इसके बाद यूरोपियन देश ने कश्मीर पर भारत का समर्थन जताया और EU की संसद ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का हल द्विपक्षीय तरीके से करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ संसद ने पाक को नसीहत देते हुए कहा कि नागरिकों के अधिकार LOC के दोनों तरफ सुरक्षित होने चाहिए। चर्चा के दौरान पोलैंड के यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट ग्रुप ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है, हमें उन आतंकी गतिविधियों को देखना होगा जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। ग्रुप ने कहा, भारत में आतंकी चांद से नहीं आते हैं, वे भारत के ही पड़ोसी देश से आ रहे हैं। हम पूरी तरह भारत का समर्थन करते हैं। इटली की यूरोपियन पीपल्स पार्टी के नेता फुल्वियो मार्तुसियलो ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देता है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से आतंकी यूरोप पर हमला करने की योजना बनाते हैं। कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद रूस ने इसे भारत का आंतरिक मसला बताया था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात और पड़ोसी बांग्लादेश भी इसे भारत का अंदरूनी मामला बता चुके हैं। हाल ही में G7 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भारत का साथ दिया था। इस तरह आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हर फोरम पर हार चुका है और बेमतलब की लड़ाई लड़ रहा है। ये बात इमरान खान के घर से भी उठने लगी है और इसको लेकर सभी पाक पेपरों ने अपने संपादकीय में लिखा कि इमरान खान कश्मीर पर भारत के साथ हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे भारत का ही फायदा होने वाला है, पाकिस्तान का नहीं। विपक्ष की नेता और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने संसद में कहा था कि इमरान खान को भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नहीं तो भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है और पाकिस्तान जिस भी फोरम पर पहुंचता है वहां पर हार होती है।